type of ketone is examined in urine? तीन ऑप्शन है ऑलरेडी, 33% प्रोबेबिलिटी वैसे ही सही होने की। कुछ तो बोलो और कोई एसिड टू एसिटेट, 50% तो वैसे ही हो गया। यूरिन कौन सा देखते हैं? एसिड टू एसिटेट, ठीक है। और सीरम में, सीरम कौन सा देखते हैं यूजली? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। तो याद रखना, तुम्हारे एमसीक्यूज भी आते हैं, तो यूरिन देखते हैं एसिड टू एसिटेट और सीरम में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज? ये आपने पढ़ा नहीं ना पहले कभी, ये पढ़ थोड़ी लिया, ये नहीं पढ़ा ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज? इट इज अ मेटाबॉलिक डिजीज। याद रखनी है, आपको एमसीक्यूज में परेशान करते हैं, ठीक है ना। इट इज अ मेटाबॉलिक डिजीज इन विच द बॉडी इज इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस एनी और एनफ इंसुलिन विच कॉजेज एलिवेटेड लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, दैट इज द डायबिटीज। इट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स दैट शेयर्स द फिनोटाइप्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। व्हाट इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया? ये आपको रट के रखना है। व्हाट इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ डायबिटीज मेलिटस? ऑन द बेसिस ऑफ एचबी1सी, इफ इट इज लेस देन 5.7। बहुत सारी बुक्स में 5.8, 5.6 लेगा, स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये आपको ये वाला याद रखना है, दिस स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, ठीक है। इफ इट इज लेस देन 5.7%, इट इज नॉर्मल। 5.7 टू 6.4 इट इज प्री डायबिटिक एंड 6.4 और हायर इज डायबिटीज। तो लेस 5. व्हाट इज द 5.7 देन? 5.7 क्या होगा, डायबिटीज या प्री डायबिटीज या नॉर्मल? प्री डायबिटीज, याद रखना ये लेस देन 5.7 और 5.7, लेस देन 5.7 आएगा नॉर्मल में, 5.7 है प्री डायबिटीज, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है, इसी कोई भी रिपोर्ट रहेगी इसी के बेसिस पे, सब जगह रिपोर्ट्स में वेरिएशन रहेगा बट ये स्टैंडर्ड है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए1सी? क्या बोलते हैं इसको, बोलते क्या है? ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। इट मेजर्स एवरेज ब्लड ग्लूकोज फॉर द पास्ट 2 to 3 months, यूजली 3 months, 3 months का एवरेज ब्लड शुगर मेजर करता है। एडवांटेज ऑफ बींग डायग्नोज दिस, वी आर डोंट हैव टू फास्ट, कोई फास्टिंग और ड्रिंकिंग जरूरत नहीं पड़ती। इट इज डायग्नोज एट एन ए1सी ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.5। फास्टिंग ब्लड शुगर यहाँ भी वही है, ठीक है। इफ इट इज लेस देन 100 इट इज नॉर्मल, और 100 to 126 इट इज प्री डायबिटीज, ठीक है। लेस देन 126 और 126 और हायर इट इज डायबिटीज। डायबिटीज इज डायग्नोज एट फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मीन्स फास्टिंग 126 और इससे ज्यादा होना चाहिए। 126 है इट मीन्स इट इज डायबिटीज। तो कट ऑफ वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। लेस देन 100 इज नॉर्मल, 100 to 125 प्री डायबिटीज और 126 और हायर इज डायबिटीज, ठीक है। कोई सा बीच वाला एक याद रख लो, दोनों अपने आप याद रहेंगे। आप प्री डायबिटीज याद रख लो, प्री डायबिटीज में याद रख लो 100 to 125, याद रखना 100 से 125, दैट इज प्री डायबिटीज। इससे ऊपर डायबिटीज एंड इससे नीचे नॉर्मल, ठीक है, याद रह जाएगा, भूलना नहीं चाहिए नेक्स्ट 3 ईयर्स तक। 100 to 125 प्री डायबिटीज। एचबीएनसी में क्या था, प्री डायबिटीज कौन सी कंडीशन थी? 5.7 to 6.4, ठीक है। दो इसमें ये याद रख लो, उसमें याद रख लो, बाकी अपने आप याद रह जाएंगे, ठीक है ना। तीनों में कन्फ्यूजन रहेगा नहीं तो। व्हाट इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट? यूजली ये कहाँ पे करते हैं? जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस डायग्नोज करने के लिए, ठीक है। यहाँ भी वो याद रखना है, प्री डायबिटीज 140 to 199, ठीक है, दैट इज प्री डायबिटीज। 200 और हायर इज डायबिटीज एंड लेस देन 140 इज नॉर्मल, ठीक है। वहाँ कौन सा था, 100 to 125 या 140 to 199? इसमें एक भी लास्ट वो पूछेंगे ऐसे आपसे 140 या 199 या 200, जहाँ पे आप कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है ना। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज, आपसे पूछते हैं डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज। देन टाइप 1 डायबिटीज ड्यू टू ऑटोइम्यून बीटा सेल डिस्ट्रक्शन, टाइप 2 भी बताया था आपको ड्यू टू प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ बीटा सेल इंसुलिन सिक्रेशन। नेक्स्ट इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस इन द सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी,
एंड नेक्स्ट इज डायबिटीज ड्यू टू अदर कॉजेज। ये चार कैटेगरी है, 1, 2 जेस्टेशन एंड अदर कॉजेज। इसमें कौन कौन से इंक्लूड रहते हैं? मोनोजेन मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, जिसको मोडी बोलते हैं, MODY, ठीक है। मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, डिजीज ऑफ द एक्सोक्रेन पैंक्रियाज ड्यू टू पैंक्रियाटाइटिस ड्यू टू ड्रग्स और केमिकल्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज। व्हाट आर द ड्रग्स विच में रिजल्ट इन इंक्रीज ग्लूकोज लेवल? फार्मिक स्टार्ट हो गया ना आपका, ड्रग्स का कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया? कहाँ तक पढ़ ली फार्माकोलॉजी? कौन सी केडीटी पढ़ रहे हो, कौन सी पढ़ रहे हो? कहाँ तक हो गया, कौन सा चैप्टर हो गया, कौन सा चैप्टर हो गया, नाम क्या चैप्टर है, चैप्टर नाम ध्यान नहीं। टेट्रासाइक्लिन हो गई, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन कंप्लीट हो गया मीन्स। स्टेरॉइड नहीं आया ना अभी, स्टेरॉइड नहीं आया, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं टेट्रासाइक्लिन के? टेट्रासाइक्लिन और कहाँ से एक्सक्रीट होती है ड्रग से? टेट्रासाइक्लिन से एक्सक्रीट कहाँ से होती है? लिवर और किडनी, किडनी। एग्जाम्पल्स कौन कौन से थे टेट्रासाइक्लिन के? टेट्रासाइक्लिन तो ग्रुप्स है ना, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं? एक का नाम बता दो, नाम सुना, डॉक्सीसाइक्लिन, फिर एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन पहले से नहीं, पेनिसिलिन, ये कंफ्यूज नहीं होना है, अभी से कंफ्यूज रहोगे लास्ट से कंफ्यूज रहोगे। टेट्रासाइक्लिन में टी फोर टॉप, टॉप पे कौन सा अरुण रहता है, लीवर या किडनी? लीवर है ना, तो मैं कहाँ से एक्सक्रीट हो रही है? ओनली वन एक्सेप्शन है इसमें, कौन सा पढ़ चुके तुम लोग फिर भी याद नहीं है। टेट्रासाइक्लिन में एक ग्रुप, एक ड्रग ऐसी है जो कि किडनी से एक्सक्रीट नहीं होती। सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, ठीक है, उल्टा बता दिया। बाकी ड्रग कहाँ से होती है? किडनी से होती है, लीवर से कौन सी होती है? एक ड्रग का एक्सेप्शन है, कौन सी ड्रग लीवर से होती है, जो तुम्हें कई बार MCQs पूछते हैं, कौन सी वाली ड्रग, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? स्क्रब टाइपस की। कंप्लीट हो गया टेट्रासाइक्लिन? एक तो चैप्टर है, कितने कितने दिन से चल रहा है? तो कहाँ से एक्सक्रीट होती है? यूजली किडनी से एक्सक्रीट होती है, एक्सेप्ट वन ड्रग, दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। तो डॉक्सीसाइक्लिन इज रीनल सेफ और टेट्रासाइक्लिन आर रीनल अनसेफ। अनसेफ क्यों? क्योंकि रीनल से एक्सक्रीट होती है, एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन जो कि लीवर से एक्सक्रीट हो रही है, ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन याद रखनी, डॉक्सीसाइक्लिन एक्सेप्शन है, और ये क्वेश्चन आपके MCQ में काफी बार पूछते हैं, ठीक है। उसमें तीनों साइक्लिन रहेगी, एक डॉक्सीसाइक्लिन रहेगी, ठीक है ना। तो डॉक्सीसाइक्लिन एक्सेप्शन है। और कौन सी ड्रग कर रही है यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया? कौन कौन ड्रग से हाइपरग्लाइसीमिया होता है? हाँ कर दे, कर दे, पर मेडिसिन कर देना। ठीक ठीक न्यूरम दिखा के मेडिसिन कर देना। यूजली स्टेरॉइड, ठीक है। स्टेरॉइड क्या करता है? इट में रिजल्ट इन हाइपर ग्लाइसिमिया। बहुत लोग होते हैं वेट गेन के लिए कौन से ड्रग्स लेते हैं? स्टेरॉइड लेते हैं सभी। स्टेरॉइड खाने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? हेयर लॉस रहेगा, ठीक है, और ठीक है, इंफ्लामेटरी, इंफ्लामेशन क्या होगा? एंटी इंफ्लामेटरी, इंफ्लामेटरी ड्रग्स है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड इज एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, सबसे फ्यूरियस समय यूज करते हैं लोग, इसलिए तो आराम मिल जाता है जल्दी से, ठीक है। और ये ड्रग नोटोरियस है फॉर हाइपर ग्लाइसीमिया, इट में रिजल्ट इन डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज। ये पुराने टाइम इसको जुवेनाइल डायबिटीज बोलते थे, ठीक है, आजकल यूज नहीं करते हैं टर्म्स, ठीक है। इट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस और टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। व्हाट इज द कॉजेस? यूजली प्रीडिस्पोजेस टू जेनेटिक और सम एनवायरमेंटल ट्रिगर्स। एंड टाइप 2 इज, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज, अराउंड 90% ऑफ द केसेस। यूजली एडल्ट में होती है, टाइप 1 यूजली इन चिल्ड्रन, यूजली ऑलवेज नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। यूजली इन चिल्ड्रन टाइप 1, इन एडल्ट इज टाइप 2। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर टाइप 2? फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इन इन सर्टेन एरियाज लाइक अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पेनिक्स एंड एशियंस, एंड यूजली आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ एज, बट इंसिडेंस नाउ इंक्रीजिंग इन यंगर एज एंड चिल्ड्रन। व्हाट आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स? इनएक्टिविटी और वेट गेन। कौन से पेशेंट यूजली ओबेस रहते हैं, टाइप 1 टाइप 2?
यूजली टाइप टू ओबेस रहते हैं, ठीक है ना, एंड टाइप वन इज लो बॉडी वेट। बट उल्टा भी उसका ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि टाइप में हमेशा ऐसे देना करो, यूजुअल वर्ड है। आप व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज? फिर ये तुम्हारे नेक्स्ट क्लास में होगा, दूसरा टॉपिक है वो कवर कर देते हैं। ये तुम्हारी पहली लास्ट क्लास है जिसमें तुम लोग आए नहीं थे शायद। एंड व्हाट इज द पैथोजेनेसिस एंड पैथोफिजियोलॉजी फॉर डायबिटीज? डायबिटीज समझ गए, डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज में डाउट है किसी को, डायबिटीज क्या समझाओगे? ठीक है, यूजुअली कौन कौन से प्रेजेंटेशन के साथ आता है? इफ इन इमरजेंसी इट में कम टू यू विथ डायबिटिक कीटोसिडोसिस और एनी इन्फेक्शन। ठीक है, यूजली दो कंडीशन होते हैं, यूजली पेशेंट्स आते हैं। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये पैथोजन से मेन पार्ट है। ठीक है, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, दोनों वर्ड्स होने चाहिए आपके पैथोजेनेसिस में, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल। ठीक है, या पैथोलॉजी में पढ़ लो डिटेल से। ठीक है, फर्स्ट इज जेनेटिक, सेकेंड इज एनवायरमेंटल एंड टाइप वन मेजर ससेप्टिबिलिटी जीन इज एचएलए रीजन ऑन क्रोमोसोम 6, मेनली इज पॉलीमॉर्फिज्म इन 40 to 50% ऑफ पेशेंट्स एंड एचएलए DR3 और DR4 हैप्लोटाइप्स, हैप्लोटाइप्स DQ, ये याद रखना आपको, ठीक है ना, जो तीन चार चीजें हैं, DQ1 0301 0302 एंड DQB0201 इज मोस्ट स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। अब क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, व्हाट आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड फैक्टर्स फॉर डायबिटीज टाइप 1? याद रखना A1 A के साथ 301 एंड B के साथ 302 एंड 201, इतनी चीज याद रखनी है आपको, पॉलीमॉर्फिज्म और हैप्लोटाइप्स DQA1 DQB1 एंड DQB1। ठीक है, लास्ट 3 साल बाद याद हो जाएगा, डट के रखना है तीन चीज, ये यहाँ नहीं पूछेंगे बट आपके एमसीक्यू में काम आएगा। कंकॉर्डेंस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस इन आइडेंटिकल ट्विंस रेंजेस फ्रॉम 40 to 60%। व्हाट आर द प्रोटेक्टिव फॉर्म ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस? A10102 DQB10602, दीज आर द प्रोटेक्टिव फॉर्म फॉर टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। व्हाट आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स? फर्स्ट इज वायरसेस, दैट इज कोक्सैके वायरस, रूबेला एंड एंट्रो वायरसेस एंड बोवाइन मिल्क प्रोटीन्स एंड नाइट्रोसो यूरिया कंपाउंड्स, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स है दैट में रिजल्ट इन टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए? फर्स्ट इज जेनेटिक, सेकेंड इज एनवायरमेंटल फॉर टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। एंड फॉर टाइप 2, टाइप 1 में क्या था? जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल, एंड टाइप 2 में क्या है? ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है ना, दोनों दो छोटे वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीजेनिक एंड मल्टीफैक्टोरियल। ठीक है, दो वर्ड्स आपको याद रखने, पॉलीजेनिक मल्टीफैक्टोरियल टाइप 2 एंड जेनेटिक और एनवायरमेंटल टाइप 1। स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट इन आइडेंटिकल ट्विन्स देर इज 70 to 90% चांसेस, इफ बोथ पेरेंट्स हैव डायबिटीज देन रिस्क इज 40%। व्हाट आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स? ओबेसिटी, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड इफ देर इज इंक्रीज और डिक्रीज बर्थ वेट। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी लिख लोगे डायबिटीज की? कोई डाउट है इसमें?